बिहार के गोपालगंज जिले में 264 करोड़ रुपए की लागत से बना 70 घाट पुल क्षतिग्रस्त होने को लेकर आरोप प्रत्यारोप से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। वहीं इस पुल के टूटने के बाद इसके निर्माण में लापरवाही को लेकर जांच की मांग उठने लगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि 263 करोड़ से 8 साल में बना पुल लेकिन सिर्फ 29 दिन में ढह गया। उन्होंने कहा कि बिहार में चारों तरफ लूट ही लूट मची है। 17-18 जून को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गोपालगंज में जो 70 घाट पुल है जो 2012-13 से लगभग 8 साल में बनकर के तैयार हुआ था उसका उद्घाटन किया था, और उद्घाटन के बाद ठीक 29 दिन बाद ये पुल जो है ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है। और सवाल कई खड़े उठ रहे हैं कि ये 8 साल से ये पुल जो है ये बन रहा है और लगभग इस पे खर्चा जो आया है 264 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और 8 साल लगे बनने में, और अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक 30 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पुल का जो है उद्घाटन किया। हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि ये आम बात हो चुकी है, नीतीश जी के राज में ऐसी घटनाएं, पुल का ध्वस्त होना। आपको याद होगा ठीक कहलगांव में एक डैम था जिसका उद्घाटन होना था, उससे एक दिन पहले वो डैम जो है कहलगांव में वो टूट गया, और लगातार ऐसी घटनाएं बार बार होती रही हैं। 264 करोड़ रुपए का तो चूहा 264 करोड़ रुपए का तो चूहा जो है वो जो है बांध को तोड़ देता है। तो हम तो लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का जो राज है पूरे तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है। 8 साल से ये पुल बन रहा है और मात्र 29 दिनों का ही ये पुल जो है रह जाता है, बाकी टूट जाता है। और इसमें पुल ही नहीं टूटा बल्कि जल संसाधन विभाग का जो बांध है वो भी साथ में जो है ध्वस्त हुआ है। तो इसमें नुकसान जो है बिहार की जनता को हो रहा है। ये पैसे की रिकवरी कैसे होगी, कितने घोटाले हुए नीतीश कुमार जी के राज में। वहीं इस बार बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी पर जमकर हमला बोला। सफाई देते हुए कहा है कि धारा 420 के अभियुक्त तेजस्वी यादव फर्जी काम करते करते आरोप भी फर्जी लगाने लगे हैं। धारा 420 के अभियुक्त सजा याफ्ता माननीय लालू प्रसाद कैदी नंबर 3351 जो भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता है, संपत्ति तो फर्जी नाम से खरीदते हैं, आरोप भी फर्जी लगाने लगे। सच यह है कि जो 70 घाट पुल है वह पूर्णतः सुरक्षित है, पुल अप्रोच रोड में अंतर पता नहीं चलता है। विपक्ष के नेता होकर के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, और यह अत्यधिक पानी के दबाव के कारण संभव हुआ है, सरकार ने अविलंब संज्ञान लिया है। अरे भ्रष्टाचार तो सर से नख तक भरा हुआ है पूरे परिवार में, आरोप लगाते हैं दूसरे पर, चेहरा दागदार है, दामन दागदार है और राजनीति भी दागदार है। वहीं गोपालगंज पुल टूटने मामले में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि 70 घाट पुल पूरी तरह सुरक्षित है, उसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि पुल टूट गया है वो झूठे हैं, झूठ का पुलिंदा है। 70 घाट पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। 70 घाट पुल से 2 किलोमीटर गोपालगंज की ओर जो माइनर ब्रिज बना है उस माइनर ब्रिज का अप्रोच केवल पानी के दबाव में कटा है, केवल इतना ही हुआ है। पुल निर्माण निगम के अधिकारी वहाँ कैंप कर रहे हैं, पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं, और जैसे ही पानी का दबाव कम होगा हम उसके निर्माण का काम पूरा करेंगे। किसको दोषी मानते हैं सर? मैंने कहा तो पुल निर्माण निगम के अधिकारी जिनके देख रेख में ये बना है वहाँ कैंप कर रहे हैं, पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा के बाद जो रिपोर्ट आएगी अगर कोई दोषी होगा कड़ी कार्रवाई की। बिहार को बारिश और बाढ़ ने पूरी तरह से घेर लिया। बिहार में तो नदियां उफान पर हैं जिनसे बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है।
जिसके कारण गोपालगंज के बैकुंठपुर के फैजुल्लापुर में 264 करोड़ की लागत से बना सत्तर घाट महासेतु पानी के दबाव के कारण कुछ हिस्सों में टूट गया। फिलहाल पुल निर्माण के अधिकारियों के द्वारा पूरे मामले की समीक्षा की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट।